तो भाई अपने छोले के हो गए हैं 2 मिनट भीगे कुलचे के, तो ये इस तरीके से देते हैं। बहुत नाम है पहले इनकी, बाहर साइकिल में दुकान वगैरह करती थी, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। भाई ये है इनका तवा भटूरा, बाकी जगह आपने खा होगा फूला सा होता है, ऑयली सा रहता है, तो इसमें ना ऑयल होता कुछ नहीं होता, बिल्कुल ही फैट बिल्कुल ही नामात्र के बराबर होता है, तो आप देख सकते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू वाइनम फूड। यार आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो कि तेल बहुत ज़्यादा हो गया फूड में, बहुत ज़्यादा काला तेल है, तो आज झंझट ही खत्म, क्योंकि मैं आज ऐसा आइटम लेकर आया हूँ जिसमें ना तेल है ना घी है। अगर आपने निकाल दिया तो ये आपको देंगे 1 लाख रुपये, क्योंकि ऐसा ये क्लेम करते हैं कि हम अपने फूड में ना तेल डालते हैं ना घी। कहाँ पर आ रखा हूँ वो देखिए, प्यारे लाल अमृतसरी, इनका सबसे ज़्यादा फेमस है भीगा कुलचा, तो वही हम ट्राई करना है। तो चलिए भाई मैं आपको इनका मेन्यू दिखा देता हूँ कि तवा भटूरा 2 पीस 70 रुपीज़ आप मेन्यू दे सकते हो। तवा भटूरा की खासियत ये है कि बिल्कुल भी फैट नहीं होता, बिल्कुल ना मात्र के बराबर होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फेमस है इनका भीगा कुलचा, जिसके लिए जाने जाते हैं, वो है 60 रुपये का। तो भीगा कुलचा ट्राई करेंगे, बाकी और भी इनके पास काफ़ी चीज़ें, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, स्पेशल स्वीट लस्सी सॉल्टेड छाछ। तो चलिए चल के देखते हैं इनका सामान कैसे ही बना रहे हैं, किस तरीके से देते हैं। तो भीगा कुलचा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये कुलचा है, ये देखिए, ये है इनके छोले जो ये क्लेम करते हैं बिना घी और तेल के। एक बार निकाल के दिखाओगे भैया? भाई कलर देखो किस तरीके से है, डार्क काला सा ज़बरदस्त। तो इसमें ये कुलचा डालते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कैसे बना रहे हैं। तो ये कुलचा है, ये इसके अंदर डालते हैं और 2 मिनट के लिए इसमें छोड़ देते हैं, और 2 मिनट बाद इसको ये सर्व करते हैं। तो ये है इनकी स्पेशलिटी भीगा कुलचा। तो भाई ये है इनका तवा भटूरा, बाकी जगह आपने खा होगा फूला सा होता है, ऑयली सा रहता है, तो इसमें ना ऑयल होता कुछ नहीं होता, बिल्कुल ही फैट बिल्कुल ही ना मात्र के बराबर होता है, तो आप देख सकते हो। ये भी मैंने एक लिया है भीगा कुलचा के साथ, इसको भी ट्राई करेंगे। तो भाई अपने छोले के हो गए हैं 2 मिनट भीगे कुलचे के, तो ये इस तरीके से देते हैं। बहुत नाम है पहले इनकी, बाहर साइकिल में दुकान वगैरह करती थी, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से शुरू करा था, जब इतना नाम हो गया तो इन्होंने अपना ये छोटा सा यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का छोटा सा खोला है। तो हेल्दी फूड है, ना ऑयल है ना घी है, कुछ नहीं है, तो बेस्ट है। इसमें किस चीज़ की चटनी भी है? धनिया पुदीना, धनिया पुदीने की चटनी है। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं, टेस्ट देखते हैं कैसा है। तो भाई मेरी प्लेट आ चुकी है, अब खा के ट्राई करते हैं। वैसे मैं काफ़ी बार यहाँ पे आ चुका हूँ, बहुत बार मैं खा चुका हूँ, मुझे इनका टेस्ट बहुत ऑसम लगता है, फिर मैं आपको खा के बताता हूँ। ये आपका भीगा कुलचा, इसको आप डायरेक्ट ऐसी कट करके ऐसे खा सकते हो, इसमें ऑलरेडी छोले तो है ही ऊपर से ही, बस काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है इसमें भीग के ये, इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसी चम्मच से खा सकते हो। ऐसी टेस्ट है जैसे पहले था, अच्छा होता काफ़ी, चटनी का स्वाद, छोले बिना तेल घी के, हाइजीनिक फूड है, हेल्दी फूड है। मिर्ची इनकी ट्राई करते हैं, बोलते हैं कि मिर्ची है बट लेकिन ये लगती नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको खा के देखता हूँ, बिल्कुल ही नॉर्मल, अपनी मिर्ची के लिए भी काफ़ी फेमस है ये लोग। तो ये तवा भटूरा ट्राई करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल ना मात्र के बराबर होता है, तो छोले का तो टेस्ट सेम ही है, थोड़े मैंने इसमें छोले कम लिए थे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कुछ खा कर आया हूँ, तो इतना ज़्यादा खा नहीं पाऊँगा। बिल्कुल भटूरा का टेस्ट है बट लेकिन ऑयल फ्री है, तो रिकमेंड करूँगा आप भी यहाँ पे आओ ट्राई जरूर करो। अब मैं इनके आपको बाहर वाली दुकान दिखाता हूँ, वहाँ पे भी जहाँ से इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी, तो यार यहाँ पे रिकमेंड है एक बार आओ ट्राई जरूर करो। एड्रेस इस वाली शॉप का मैं आपको बता देता हूँ, ये है आप सामने, तो आपका पूरा एड्रेस आपको दिख ही रहा होगा, शॉप नंबर 1 एंड 2 सुभाष नगर, बट ये आगे जाके एक छतरी वाला पार्क आता है, वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सीधे सीधे अंदर आएंगे छतरी वाला पार्क से, तो यहाँ पे इनकी प्यारे लाल अमृतसरी वाली आपको शॉप मिल जाएगी, स्क्रीन पे भी आपको पूरा एड्रेस आ रहा होगा। अब चलते हैं बाहर वाली शॉप पे जहाँ से इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो भाई ये शॉप है जहाँ से अंकल ने शुरुआत करी थी, ऐसी साइकिल में इन्होंने बेचा काफ़ी साल, उसके बाद जाके अंदर अपना एक आउटलेट खोला छोटा सा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।